हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर साइंस क्लास बच्चों आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं थर्ड चैप्टर है जो हमारा एन सी आर टी से साइंस का दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स में अगर हम बेसिकली बात करें अपनी लोअर क्लासेस में जो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स ठीक मेटल्स नॉन मेटल्स की वो आपने पढ़ी होंगी तो अगर हम बात करें कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो भी हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल क्या होती है कैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं फिफ्थ चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ेंगे तो यहाँ आपने बेसिकली समझना है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर किसके बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सपोज़ करो आपको यहाँ पर दस तरह के एलिमेंट्स गिवन है कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि ये मेटल्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं तो कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का क्राइटेरिया रखा गया जिसके बेसिस पर उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया अगर हम कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे आयरन एल्युमिनियम सिल्वर कॉपर ये सभी हमारे मेटल्स हैं और हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फ़र एंड ऑक्सीजन ये सभी हमारे नॉन मेटल्स हैं इनके सिंबल भी आपने याद कर लेने हैं एलिमेंट्स के लाइक आयरन कैफ़ी है एल्युमिनियम एयर इस तरीके से बच्चों अगर हम बात करें वो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ दो तरह से हम यहाँ पढ़ेंगे एक है हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड दूसरी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को सबसे पहले है बच्चों लसन यानी कि लशरस हम कह सकते हैं जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि चमक जिनके अंदर है तो बच्चों जो मेटल्स हैं उनका जो सरफेस हमेशा कैसा होता है शाइनिंग सरफेस और नॉन मेटल्स का सरफेस शाइनिंग नहीं होता आयोडीन के अलावा देखो यहाँ एक्सेप्शन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में मिलते हैं एक्सेप्शंस को आपने याद करना है देखो एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ सभी की सभी की सभी नॉन मेटल्स कैसी होंगी नॉन शाइनिंग सरफेस क्यों होंगे यानी कि उनका सरफेस चमकदार नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के अलावा यानी कि आयोडीन लशरस है आयोडीन के अंदर शाइनिंग सरफेस होगा सेकंड है बच्चों हमारा हार्डनेस हार्डनेस में क्या है जो मेटल्स हैं जनरली हमारी हार्ड होती हैं और नॉन मेटल्स ऑलमोस्ट सॉफ्ट होंगी जनरली सॉफ्ट होंगी लेकिन मैंने आपको कहा कि मेटल्स सभी क्या हैं हार्ड किसके अलावा सोडियम और लीथियम के अलावा और साथ में पोटाशियम यानी कि सोडियम लीथियम और पोटाशियम ऐसी हैं जो सॉफ्ट हैं और उनको नाइफ़ के साथ चाकू के साथ कट भी किया जा सकता है इन तीनों के अलावा सभी मेटल्स कैसी होती हैं हार्ड नॉन मेटल्स बच्चों सभी की सभी नॉन मेटल हैं जितनी भी वो सभी सॉफ्ट रहेंगी लेकिन डायमंड है डायमंड हार्ड जो मतलब नॉन मेटल होने के बावजूद भी डायमंड हमारा क्या है एक हार्ड स्ट्रक्चर है क्योंकि ये कार्बन से बना हुआ है और कार्बन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो मतलब नेचुरल तरीके से प्रेजेंट है और डायमंड कार्बन से ही बनता है तो हमारा ये नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन है अगर हम थर्ड बात करें स्टेट की तो बच्चों स्टेट नॉर्मली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में रहती हैं मरकरी के अलावा मरकरी सॉलिड स्टेट में नहीं अवेलेबल होता और जो नॉन मेटल्स हैं ये सॉलिड और गैशियस दोनों फॉर्म में मिल सकती हैं ब्रोमीन के अलावा ब्रोमीन सॉलिड और गैशियस फेज में नहीं मिलती है नॉन मेटल उसके बाद है बच्चों मेलिएबिलिटी मेलिएबिलिटी यानी कि जैसे मान लो उनको अगर हम जैसे अगर मेटल या नॉन मेटल कोई भी हमारे पास एलिमेंट है अगर उसको हम मतलब उसको हैमर से या किसी भी चीज़ से प्रेस करते हैं बार बार तो मतलब वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होगा या नहीं तो बच्चों मेटल्स को मेटल्स कैन भी बिटन इंटू थिंक शीट्स यानी कि मेटल्स को थिंक शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और गोल्ड और सिल्वर ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं गोल्ड और सिल्वर को कि काफ़ी थिंक शीट्स बनाई जा सकती हैं और नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होती हैं यानी कि नॉन मेटल्स को थिंक शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ओके इसमें बच्चों एक अगर हम बात करें एक और हमारा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डक्टिलिटी मेलियबिलिटी uh, में हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं डक्टिलिटी में जो मेटल्स हैं उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है और जो जितने भी मेटल्स हैं सभी को थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होती हैं इन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सिल्वर और कॉपर हमारे बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं हीट के लेड और मरकरी ये एक्सेप्शन हुआ लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर हैं हीट के एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि हम कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं इनफैक्ट सिल्वर की उससे भी ज़्यादा मतलब एक अच्छी कंडक्टिविटी है गुड कंडक्टर है ये तो इसे हम क्यों नहीं यूज़ करते कॉपर वायर की जगह सिल्वर वायर्स क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली हैं तो हम सिल्वर वायर्स को इसीलिए नहीं यूज़ करते अदरवाइज़ सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद अगर हम नॉन मेटल्स में बात करें तो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की ग्रेफाइट इसमें एक एक्सेप्शन एक है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है ओके okay, तो ये एक्सेप्शन आपने बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की तो बच्चों जितने भी मेटल्स होंगे जनरली उनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है सिर्फ सोडियम और पोटेशियम के अलावा यानी सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी भी लो होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा उसके बाद है सोनोरस सोनोरस यानी कि जब हम किसी भी चीज़ पर मतलब कोई भी चीज़ साउंड प्रोड्यूस करती है नहीं करती है तो सोनोरस टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं तो मेटल्स बच्चों हमेशा स्ट्राइकिंग करने पर मतलब कोई भी चीज़ टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं हार्ड uh, सरफेस मतलब हार्ड सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ टकराएगी तो वहाँ साउंड प्रोड्यूस होगा अगर वो मेटल है अगर वो नॉन मेटल है तो वहाँ स्ट्राइकिंग के बाद कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा इसीलिए सोनोरस नहीं है उसके बाद एक लास्ट है बच्चों यहाँ फ़िजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्साइड्स मेटेलिक ऑक्साइड्स हमेशा कैसे होंगे नेचर में बेसिक होंगे और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे एसिडिक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ आज आपने इनको पढ़ लेना है एक बार अगर इनके अंदर कोई डाउट है तो आप बता देना हम दोबारा उस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे इनफैक्ट जैसे मेलियबिलिटी है डक्टिलिटी है ये दो तीन टर्म्स हैं बच्चों जिनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चनस भी आ जाते हैं वैलिएबिलिटी डक्टिलिटी के ऊपर तो इनमें आप आ, को कोई भी डाउट है तो आप बता देना हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे इनको नोट भी कर लेना साथ साथ अच्छे से ओके okay, तो आज के लिए इतना ही कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे